भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत ही तेज तर्रार अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र जी और यहां की लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार की मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति जी और भारत सरकार की मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री प्रकाश जी शर्मा, श्री विजय बहादुर पाठक, श्री कौशलेंद्र सिंह विधायक, श्री कृष्णा पासवान, श्री विक्रम सिंह विधायक, मुखलाल पाल, कृष्ण मुरारी शुक्ला। बहनों भाइयों, रोकना मत, एक बार मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का नाम पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि लंबे समय के बाद आया हूं, एक बार इन कार्यकर्ताओं को याद करना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुरारी शुक्ला, श्री नागेंद्र गुप्ता, श्री प्रबोध द्विवेदी, श्रीमती निवेदिता सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री अन्नू श्रीवास्तव, श्री आनंद राजपाल, श्री हनुमान मिश्रा, श्री दिनेश वाजपेयी जिला अध्यक्ष, श्री राधेश्याम जी पूर्व मंत्री, श्री राजन जी पटेल पूर्व मंत्री, श्री धुन्नी सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष, श्री मनोज जी शुक्ला, श्री रमाकांत, श्री करण सिंह पटेल, श्री प्रभुदत्त दीक्षित, श्री महेंद्रनाथ वाजपेयी, श्री अनिल गुप्ता, श्रीमती विजया लक्ष्मी साहू और हमारे पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल। और इस मैदान में बैठे फतेहपुर के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, मैंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि जिस फतेहपुर की सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं वह सभा इतनी बड़ी होगी। रैली नहीं बल्कि यहां रैला होगा, इसकी मुझे कल्पना नहीं। और यह सारा रैला देखने के बाद स्वाभाविक रूप से मैं नतीजे पर पहुंचा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दो तिहाई बहुमत हासिल करने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बहनों भाइयों, फतेहपुर में लंबे अरसे के बाद आया, लंबे अरसे के बाद आया हूं ना, यहां पर पार्टी संगठन की जिम्मेदारी लंबे समय तक निभाई है, यहां के मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन जब से केंद्र में संगठन की और सरकार में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला तो जितना उत्तर प्रदेश आने जाने का सिलसिला हमारा आगे बढ़ना चाहिए था वह नहीं हो पाया। लेकिन जब भी अवसर आता है अपने प्रदेश के बहनों भाइयों के बीच आकर मैं खड़ा हो जाता हूं। मेरे बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद आया, फिर भी आप सब लोगों ने गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और मैं यह मानता हूं भारत की परंपरा है और यह शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत और अभिनंदन का और सलाम दुआ का सिलसिला कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर फतेहपुर के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। बहनों भाइयों, फतेहपुर के इतिहास से मैं परिचित हूं और मैं जानता हूं फतेहपुर जहां ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं पर फतेहपुर की यह धरती पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मैं इसे भूल नहीं सकता। मेरे बहनों भाइयों, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से बढ़ चढ़ के फतेहपुर वासियों ने अपनी भूमिका निभाई है। बहनों भाइयों, कभी भी स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उसे भूल नहीं सकता है। अरे जाने दो बेचारे को, अरे मत, अरे अरे छोड़ो भाई, अरे चुपचाप, अरे भाई
कोई मारे पीटे ना, कोई मारे पीटे, गलत बात है। नहीं नहीं जाने दो, जा, जा, नहीं नहीं धीरे से बाहर कर दिए, कोई है। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय मोदी जिंदाबाद, माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। भाई अरे उसको निकाल दो भाई, उसके ऊपर हाथ न चढ़ाएगी। अरे भाई लड़के हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कुछ कर दिया, उनको किनारे कर दो, उनको टच मत करो, केवल बाहर कर दो बस। अरे लड़के हैं, किसी ने गुमराह करके भेज दिया होगा, छोड़ो जाने दो, नौजवान है बच्चे। अब बैठ जाइए। बैठ जाइए, कहे हो गया, सब शांत है, शांत है, बैठ जाइए। भारत माता की भाई और कार्यकर्ता सभी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे 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 सभी बैठ जाए। बोली भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा कर बोलिए भारत माता की। बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का, आगे बढ़ो। मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कह रहा था कि फतेहपुर की जनता ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत को आजादी मिल गई है और आजादी हासिल हुए 70 वर्षों का समय गुजर गया है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आई, उन्होंने सरकारें बनाई, लेकिन मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की जैसी प्रगति होनी चाहिए, आप लोगों की अपेक्षा के अनुरूप जैसा इस हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए था, वैसा विकास नहीं हो पाया है। और मैं सबसे बड़ा कारण यह मानता हूं कि हिंदुस्तान की जनता ने समय समय पर सत्ता का परिवर्तन तो किया है, लेकिन केवल सत्ता के परिवर्तन से ही विकास नहीं हो सकता मेरे बहनों भाइयों। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का भी परिवर्तन जब तक नहीं होगा, तब तक हम इस हिंदुस्तान को जैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं वह हिंदुस्तान बना पाना संभव नहीं हो पाएगा। और मैं यह मानता हूं कि आज भी चाहे हमारा भारत देश हो, चाहे यह उत्तर प्रदेश हो, आज भी व्यवस्था परिवर्तन की बात जो हो रहा है, या आपको याद दिलाना चाहता हूं, इंदिरा जी भारत की प्रधानमंत्री थी और जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजाओं का प्रीवी पर समाप्त किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो लोगों ने कहा कि अब देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, देश की गरीबी दूर हो जाएगी, देश की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, अब गरीबों के दिन लौट आएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, प्रीवी पर्स को समाप्त करने के बावजूद, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद, हमारे हिंदुस्तान के किसानों और गरीबों के दिन नहीं बहुरे। बीपी सिंह जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने, यही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर है जहां से बीपी सिंह जी को चुनकर आप लोगों ने भारत की संसद में भेजा था और वह भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं बीपी सिंह जी के ईमानदारी पर कोई सवालिया निशान नहीं करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। लेकिन बहनों भाइयों, जिस हद तक उन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए, बीपी सिंह जी को भी वह कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, एक भारत माता के सपूत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की, क्या आप सभी जानते हैं, 6 वर्षों तक उन्होंने इस हिंदुस्तान में सरकार चलाई है। चाहे भारत का कोई हो, चाहे दुनिया के किसी देश का रहने वाला कोई क्यों न हो,
इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में किसी भारत माता के सपूत ने कामयाबी हासिल की तो भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कि लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखा। इतना ही नहीं, आज हिंदुस्तान में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, आज जो थोड़े बहुत गांवों को जोड़ने के लिए पक्की सड़कें बनाई गई हैं, यह सिलसिला भी हिंदुस्तान में किसी ने प्रारंभ किया मेरे बहनों भाइयों, तो हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही प्रारंभ किया था। इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही। कांग्रेस की हुकूमत में क्या हुआ है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। लगातार 10 वर्षों तक महंगाई बढ़ती रही, हमारे हिंदुस्तान का गरीब कराहता रहा। नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने मजबूत हाथों के रोजगार की तलाश के लिए दर दर की ठोकर खाता रहा। न तो गरीबी दूर हो पाई, न बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल पाया, बल्कि कांग्रेस की सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के उस समय आरोप लगे। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बहनों भाइयों, केंद्रीय सरकार में जो मंत्री थे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है। ऐसी सरकार इसे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने चलाई है। लेकिन 2014 जब आया है, आपने हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में जो बड़ा परिवर्तन किया है, सारी दुनिया अचंभित रह गई। क्या हो गया है हिंदुस्तान की जनता को? किसी को यह कल्पना नहीं थी किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को इतना बड़ा स्पष्ट बहुमत इस हिंदुस्तान की राजनीति में मिल जाएगा, भारत की संसद में मिल जाएगा। यह किसी को कल्पना नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी है मेरे बहनों भाइयों, और 283 सीटों पर कमल का फूल इस हिंदुस्तान में खिलाकर केंद्र में आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बनाई है। नरेंद्र भाई मोदी को आपने भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। 2.5 वर्षों का समय समाप्त हुआ है। कोई दुनिया का कोई मां का लाल इस सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में ही भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम यदि किसी मां के लाल ने किया है तो उस मां के लाल का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिसने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों की जो भी सरकार बनी थी, मोदी जी और हम सभी लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे। यह हुआ कि पहला कदम क्या उठाया जाना चाहिए, तो हम लोगों ने तय किया था कि पहला कदम यदि उठाया जाना चाहिए तो इस हिंदुस्तान में जो काला धन निरंतर बढ़ता जा रहा है और काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो देश में बनती जा रही है, इस पर चोट पहुंचाई जानी चाहिए। और मैं प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, हमारी बात यदि कोई गलत हो तो मेरे प्रेस के बहनों भाइयों, आप अपने अखबारों में लिख देना राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके गए हैं, जनता को इससे झूठ बोल कर गए हैं, अपनी गलती मैं स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि यदि जीवन में हमने राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की। पहला फैसला सरकार बनने के बाद जो हम लोगों ने किया था, काले धन को उजागर करने के लिए हम लोगों ने SIT बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का काम, पहला काम हमारी सरकार ने यह किया था। उसी दिन से काले धन के खिलाफ हम लोगों ने जंग का सिलसिला प्रारंभ कर दिया था। हिंदुस्तान के नौजवानों की बेरोजगारी को देखते हुए कुछ ही महीने के अंदर हमारी सरकार ने फैसला किया, मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ की,
हम लोगों ने कहा सभी नौजवानों को एकाएक हम रोजगार नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम बैंकों के माध्यम से 10 लाख रुपए का कर्ज मुहैया कराकर कम से कम कुछ छोटा मोटा रोजगार करने के लायक तो बना सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं हिंदुस्तान में ऐसे 35.5 लाख नौजवानों को 10 लाख रुपए का कर्ज, 2.5 साल में 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराने का काम हम लोगों ने किया है। अब इधर 500 रुपए 1,000 रुपए की नोटों का चलन हमारी सरकार ने बंद कर दिया, इसे हम नोटबंदी कहते हैं बोलचाल की भाषा में। अब इस नोटबंदी को हमारे विरोधी लोग कह रहे हैं कि यह नोटबंदी नहीं है, यह नसबंदी है। और बहनों भाइयों में अब आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं, जो लोग इसे नसबंदी मानते हैं वह जो काला धन इकट्ठा करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी नसबंदी हुई है, उनकी नस कटी है, और हिंदुस्तान में ईमानदारों की नस नहीं कटी। वह विरोध कर रहे हैं नोटबंदी का फैसला। बहनों भाइयों एक साहसिक फैसला है हमारे प्रधानमंत्री का। यह फैसला काले धन के खिलाफ जंग है, आतंकवाद के खिलाफ जंग है, उग्रवाद के खिलाफ जंग है, और हम लोगों की यह जंग चलती रहेगी, क्योंकि हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और मैं जानता हूं जनता को कुछ समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मैं समझता हूं 1-2 महीने तक थोड़ी बहुत और परेशानी हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था हमको 50 दिन का मौका दीजिए। बड़ा जब भी कोई फैसला होता है, बड़े रोग का जब इलाज करना होता है बहनों भाइयों, तो कभी कभी कोई कड़वी दवा भी देनी पड़ती है। वही कड़वी दवा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। लेकिन आज जिन लोगों को कठिनाई महसूस हो रही है, मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कल यही नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान के लिए वरदान बन जाएगा। मेरे बहनों भाइयों वरदान बन जाएगा, और हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक मिसाल बनकर खड़ा हो जाएगा कि कैसे काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। दुनिया के दूसरे देश भारत की नकल करें, ऐसे हालात इसे हिंदुस्तान में पैदा होने जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप कल्पना कीजिए केवल भारतीय जनता पार्टी इस नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रही हो, ऐसा नहीं है। जनता दल यू के नेता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी इसका समर्थन कर रहे हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल के नेता, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बहनों भाइयों जितने ईमानदार नेता हैं, सारे के सारे ईमानदार नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो काला धन इकट्ठा करने वाले हैं उनकी तो बिल्कुल जैसे लगता है नानी मर गई। पहले जो काला जिनके पास कभी जो धर्म कर्म को कुछ मानते थे, पहले जब गंगा जी के किनारे उनारे जब गुजरते थे पुल के ऊपर से, तो गंगा जी जब दिखाई देती थी तो पुल के ऊपर से उसमें एक जो है 1 रुपये का 5 रुपये का सिक्का डालते थे कि नहीं। लोग कहते थे इसे पुण्य होगा मोक्ष मिलेगा, लोग कहते थे इसे पुण्य मिलता है मोक्ष मिलता है। अब क्या हो रहा है, अब 1 रुपया का सिक्का नहीं डालते, 500,000 के करोड़ों नोट ही गंगा जी में डाल देते हैं, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते। लेकिन ऐसे लोगों को मोक्ष जरूर प्राप्त होगा, काले धन से उन्हें निश्चित रूप से अपना हाथ दूर करना होगा। मेरे बहनों भाइयों ये डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूं, नहीं चलेगा। चुनाव जब होगा
प्रत्याशियों से पैसा मांगा जाता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। टिकट लेने के लिए कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि पैसा लेती नहीं है। और आपने देखा होगा नोटबंदी का जब फैसला लागू हो गया, बुला बुला कर पैसा वापस किया गया। बाहुबल और धनबल के आधार पर भी हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होगा। बहनों भाइयों, चुनाव यदि हिंदुस्तान में होगा तो जिस्म के पसीने के बल पर होगा और ईमानदारी के बल पर होगा। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया। हिंदुस्तान की गरीबी को यहां हम मिटाना चाहते हैं, वहीं हम हिंदुस्तान की आर्थिक विषमता को भी हम समाप्त करना चाहते हैं। कई महत्वपूर्ण फैसले हमारी सरकार ने किया है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या कभी आजाद भारत के इतिहास में किसी ने सोचा था बड़े परिवारों में माताएं बहनें तो गैस के चूल्हे पर खाना बनाती हैं, लेकिन गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर, आंखों से आंसू बहते रहती हैं, उस पर खाना बनाती हैं। पहली बार इसका दर्द यदि किसी को हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की जो आपने सरकार बनाई है, इसे प्रधानमंत्री बनाया है नरेंद्र भाई मोदी के कलेजे में हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम ऐसे गरीब परिवारों को, 5 करोड़ गरीब परिवारों को 3 साल के अंदर मुफ्त में हम एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, पहली बार किसी सरकार ने यह फैसला किया। अब तक सारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 1 करोड़ यह गैस सिलेंडर बांटा है, और इसमें से कि उत्तर प्रदेश को 34,35,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यह गैस सिलेंडर दिए गए। कई महत्वपूर्ण सरकार कदम इस प्रकार की सरकार ने उठाए। पहली बार हम लोगों ने वादा किया था, और मुझे याद है हिंदुस्तान, चाहे मैं आंध्र गया, चाहे तमिलनाडु गया, चाहे बिहार गया, चाहे राजस्थान गया, 2014 में जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वहां के गरीबों और किसानों से मैं बराबर कहता था। उत्तर प्रदेश में भी जब मैं आता था लोगों से यही कहता था, हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसका कि बैंकों में खाता न खुल जाए। और बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इस करिश्माई काम को करने का काम हर परिवार को देश की अर्थव्यवस्था यानी बैंकों के साथ जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, पहली बार किया। और आप देखिएगा, साल दो साल के बाद ऐसे हालात होंगे कि आपके घर का छोटा बच्चा कोई सामान यदि खरीदना होगा तो सीधे अपने मोबाइल पर बैठकर ही सामान की खरीद फरोख्त कर लेगा, बैंकों का दरवाजा उसे नहीं खटखटाना पड़ेगा। हम एक ऐसी व्यवस्था इस हिंदुस्तान में खड़ी करने जा रहे हैं, पहले तो कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। सारे परिवारों को देश की मुख्य धारा, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा के साथ हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, यहां पर ओला पाला फतेहपुर में पड़ा था कि नहीं पड़ा था? जहां पीछे के लोग बताइए, ओला पाला पड़ा था कि नहीं आया था? तो ओला पाला में जो कुछ भी सरकार के द्वारा मिलना चाहिए वो तो मिल उल गया है सबको कायदे से ना, कि नहीं मिला? बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी से जो कमेटी बनी है, हाई लेवल कमेटी केंद्र सरकार की, उसका चेयरमैन मैं हूं। और मैं वह बता देना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार सीधे वह पैसा नहीं बांट सकती, वह राज्य सरकारों के माध्यम से ही बंटता है। और इतना पैसा दिया है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी अकाल पड़ा होगा तब भी केंद्र की सरकार ने इतना पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं दिया होगा जितना कि हमारी सरकार ने।
लेकिन आज जब मैं आप सबसे पूछता हूं तो आप लोग ये कह रहे हैं कि हमको पैसा ही नहीं मिला, कहां चला गया वह पैसा। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, कहां चला गया वह पैसा। इतना ही नहीं, पहले जब 50% से अधिक फसल बर्बाद हो जाती थी तब जाकर किसानों को क्षतिपूर्ति मिलती थी, कंपनसेशन मिलता था। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनाथ जी 50% बहुत होता है, अरे एक तिहाई भी फसल बर्बाद हो जाए तब भी पूरा का पूरा मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, और उसी दिन साफ आदेश जारी कर दिया था। पहले केवल 1 हेक्टेयर का मुआवजा मिलता था, बहनों भाइयों उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 2 हेक्टेयर कर देने का काम किया था। फिर भी उत्तर प्रदेश के जहां मैं जाता हूं उत्तर प्रदेश, सभी लोग कहते हैं कि साहब हमको मुआवजा नहीं मिला, हमको मुआवजा नहीं मिला। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने जो वह पैसा दिया वह पैसा कहां गया। बहनों भाइयों, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाइए, एक एक पाई का हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा, देना पड़ेगा, कोई मां का लाल बचकर नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 1 साल पहले हम लोगों ने लागू की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी फसल बीमा हो गई? फसल बीमा हो गई पीछे जरा बतलाइए। बहनों भाइयों, यह काम भी राज्य सरकार को करना, थोड़ी सी भी फसल बर्बाद हो जाए तब भी आपका जितना बीमा हुआ है उतना पैसा बीमा कंपनी को मुहैया कराना पड़ेगा। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था केंद्र की सरकार ने कर दिया, जाकर मध्य प्रदेश में देख लीजिए, पूछ लीजिए, हमारी सरकार है। जाकर हरियाणा में पूछ लीजिए, हमारी सरकार है। वहां हमारे मुख्यमंत्रियों ने लागू कर दिया, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में लागू। मुझे बताया गया कि शायद पहले बहुत दिनों तक एजेंसी ही नहीं तय हो पाई, कौन एजेंसी इस काम को करेगी, और एजेंसी तय भी हुई तब भी फसल बीमा जो होना चाहिए किसानों का वो फसल बीमा नहीं हो पाया। लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं बहनों भाइयों, जिस दिन सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर फसल बीमा योजना प्रभावी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, फसल यदि बर्बाद हो जाती है, आंशिक रूप से भी फसल बर्बाद हो जाती है, तो आपको अपनी आंख ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर नहीं देखना होगा, बल्कि बीमा कंपनी जो भी आपकी फसल की क्षति हुई है उसकी भरपाई आपके घर जाकर करेगी। ऐसी मुकम्मल व्यवस्था हम लोगों ने की है। धान उनकी खरीद तो खूब हो गई होगी, धान की खरीद हो गई, इधर धान की खरीद माँ बाप के घर हो गई है सर। धान उन पैदा हुआ है उधर हो गई है कि नहीं? उधर मैंने यार कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? कुछ हुआ है कि नहीं? क्या हुआ है? क्या हुआ है? चोरी हुई है? चोरी वो तो होगी, लेकिन ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जिन लोगों को याद हो वही बोलें, मैं सबकी नहीं सुनना चाहता। जिनको याद हो, याद हो तो बोलिएगा, नहीं तो आप शांत रहिएगा, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं धूल नहीं झोंकूंगा आपके हाथ में। क्या यह सच नहीं है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो जितना आप धान बेचना चाहते थे सारा धान हमने खरीदा था? ये जितने लोगों को याद हो कम से कम उतने लोग हाथ तो उठा दीजिए। अरे मैं देख तो लूं, बहुत दिनों के बाद आया हूं, खरीदा था कि नहीं? उसके बाद वह धान की खरीद फिर से आपकी उत्तर प्रदेश में हुई है कि नहीं हुई है? कभी नहीं हुई। तो आज सुन लेना बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना दो, बहनों भाइयों फिर से धान की खरीद का सिलसिला प्रारंभ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाकर मैं जाना चाहता हूं, और जो भी समर्थन मूल्य वह समर्थन मूल्य आपको मिलेगा, और इस बार भी 50 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
लेकिन अभी मुझे बताया गया जो कि 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए थी और आज तक इसकी शुरुआत ही नहीं हुई। क्या ऐसी ही सरकार उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए? चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की, बराबर जनता की जज्बातों के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है, गरीबों की गरीबी के साथ खिलवाड़ किया है, बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को वो ये गरीब बनाकर रखना चाहते हैं। जब चुनाव का समय आया है तो हम उस समय चंद सिक्कों के साथ, चंद चांदी के सिक्कों के आधार पर हम उनकी नीयत और ईमान को खरीद सके, इसीलिए वह गरीब रखना चाहते हैं। और मैं तो अभी यह देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में कोई किसी को बुआ कह रहा है, कोई किसी को बबुआ कह रहा है, कोई किसी को पकुआ, सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? क्या राजनीति में यही सब होना चाहिए? ठीक है, जो बुआ लगे आप उसको बुआ कहिए, जो बबुआ लगे उसको बबुआ कहिए, राजनीति है तो राजनीति ये ठीक तरीके से होनी चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों फैसला कर लो आप, उत्तर प्रदेश को न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, उत्तर प्रदेश को तो फुलवा चाहिए, कमल का फूल ही चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक है, कानून व्यवस्था तो सब ठीक ठाक है, ये आपके साथ आप अध्यापक, हाँ अध्यापकों की बात बतलाई, जो हुआ मालूम है, बतलाया इन्होंने, इंसाफ मिलेगा, आप चिंता मत कर, लेकिन अध्यापक लोग यहां पर खड़े हैं, अध्यापक लोग यहां पर खड़े हैं, हाँ बैठे 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 अध्यापक लोग खड़े हैं, यहां जितने प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अध्यापक बैठे होंगे, यदि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इंसाफ किया हो तब तो बहनों भाइयों कह रहे, पांचवां वेतन आयोग कोई नहीं दे रहा था, उस पांचवां वेतन आयोग को अध्यापकों को देने का काम मैंने ही किया था, आज जो वेतन मिल रहा है वो हमारी सरकार के द्वारा मिल रहा है, यह सही है कि नहीं है? मैं शिक्षकों से कहना चाहता हूं आपको भी इंसाफ मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ही इंसाफ मिलेगा मेरे बहनों भाई। कानून और व्यवस्था, जब कभी इन लोगों की सरकार आती है गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? हुकूमत तो ऐसी चाहिए कि बहनों भाइयों गुंडा और बदमाश उस हुकूमत के रहते हुए अपने सीने का बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर न चल सके, ऐसे हालात होने चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत को लेकर तरह तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं, कहीं कहीं हिंदू मुसलमान ईसाई जात पात का भेदभाव पैदा करके बराबर केवल सरकार बनाने की कोशिश की जाती है। मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, सभी राजनीतिक पार्टियों से हमारी अपील है, राजनीति कीजिए तो केवल सरकार के लिए नहीं, देश के लिए राजनीति कीजिए, देश के लिए, उसी में राजनीति की सार्थकता है। और बहनों भाइयों आज मैं यह भी यकीन दिलाकर फतेहपुर वासियों को मैं जाना चाहता हूं, मैं जानता हूं फतेहपुर वासियों को, ये मान सम्मान स्वाभिमान के धनी होते हैं, हर चीज से समझौता कर सकते हैं लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। आज मैं इस फतेहपुर में हूं, यही फतेहपुर के बगल में इलाहाबाद है जहां चंद्रशेखर आजाद जैसा 26 साल का नौजवान अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे सीने में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने
अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। यह स्वाभिमानियों की धरती। यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना दीजिए, आपका मस्तक सही ऊंचा रहेगा, आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर हम चोट नहीं पहुंचेंगे। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पढ़े लिखे लोग शायद यदि अखबारों में पढ़ते होंगे, कहीं से रिपोर्ट पढ़ा होगा, माओवाद, उग्रवाद, इन सब सारी चीजों से, आतंकवाद, पुरजोर तरीके से लड़ाई हम लड़ रहे हैं और कई क्षेत्रों में हमने 50-60% की कामयाबी हासिल की। पड़ोसी देश, यह बात सही है कि पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन सच्चाई यह है कि हम पड़ोसी देश के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कल एक ही मंत्र अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद रखते हैं कि अटल जी बराबर कहा करते थे, याद रखना, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। इसलिए जहां भी रहना, पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना। हम पाकिस्तान के साथ पड़ोसी हैं, अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। जितने भी पड़ोसी देश हैं सबके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लेकिन आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के सेना के जवानों ने जो काम किया है बहनों भाइयों, वह करिश्माई काम किया है और यह संदेश दे दिया है कि हम इस पार भी कुछ कर सकते हैं और उस पार भी कुछ कर सकते हैं। यह संदेश देने में हमने कामयाबी हासिल की। पहली बार मैं पाकिस्तान गया था, केशव प्रसाद जी मौर्य बतला रहे, पहली बार पाकिस्तान गया था। बहनों भाइयों, आप लोग तो जानते हैं मैं सीधा साधा आदमी हूं कि नहीं हूं कि नहीं हूं, इधर आप लोग नहीं मानते। और बहनों भाइयों, जब मैं गया तो पहले मैं सोचा कि अपना जो मीठी मीठी मैं बोल के कुछ चला हूं, लेकिन मेरा भी स्वाभिमान जाग उठा और मैंने कहा कि यह पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा है, हम दुनिया के दूसरे देश की धरती पर खड़े होकर उसका जवाब नहीं देना चाहते, यह बहादुरों का काम नहीं होता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब भारत माता के सपूत हैं, जो हम जवाब देना होगा उनकी छाती पर बैठकर ही हम जवाब देंगे, और उसका जवाब दिया था। और आप सब यकीन रखना, जब तक नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व हमारी हिंदुस्तान में सरकार है मेरे बहनों भाई, हम हिंदुस्तानियों का मस्तक किसी भी सूरत में नहीं झुकने देंगे, किसी भी सूरत में आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट नहीं आने देंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, परिवर्तन यात्रा इस समय चल रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद जी मौर्य बहनों भाइयों तेज चल रहा, एक ऐसे नौजवान को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया है। अभी आपने सुना होगा बोलते समय केशव प्रसाद मौर्य को, आपने कल्पना भी नहीं की होगी जल्दी हमको ऐसा अध्यक्ष मिल जाएगा जो इतना अच्छा बोलता है। एक ऐसे तेज तर्रार नौजवान को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। हम जात पात पंथ मजहब की राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बार बस कमल के फूल पर मुहर लगाइए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दीजिए, यही अपील करते हुए और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।